डॉन सेल, जिसको सबसे पहले जेसी डॉन ने इंट्रोड्यूस किया था, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम मोल्टन मीन लिक्विड सोडियम क्लोराइड या एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके सेंटर में ग्रेफाइट एनोड होता है और यही एनोड सराउंडेड होता है बाय सिलेंड्रिकल आयरन कैथोड। कैथोड और एनोड एक दूसरे से सेपरेट होता है स्टील गाज डायफ्राम से। इसके एनोड के ऊपर हुड होता है। सबसे पहले इस टैंक में हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं 1:2 फॉर्म में। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 सेंटीग्रेड है। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 सेंटीग्रेड हो जाता है। रिमेम्बर, सोडियम क्लोराइड वाटर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सोडियम आयन माइग्रेट करता है टुवर्ड कैथोड, जबकि क्लोराइड आयन माइग्रेट करता है टुवर्ड एनोड। क्लोराइड आयन एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और चेंज हो जाता है क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल में, जबकि सोडियम आयन कैथोड पे रिड्यूस हो जाता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉन लेता है और दो सोडियम एटम आयन्स दो इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल में चेंज हो जाता है और यही सोडियम मेटल जिसका डेंसिटी वाटर से कम हो जाता है कम है इसलिए ये टॉप पे आके इसको हम पाइप के जरिए से सेपरेट करते हैं।